हमारा परचम ये प्यारा परचम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको, हमारी तरह से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दे दो इसको रूदा। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी तरफ से आप सब बहनों को 14 अगस्त मुबारक। और आज 14 अगस्त का दिन है, तो 14 अगस्त सब अपने अपने घरों में बड़े ही जोशो खरोश से मनाते होंगे। और हमारे भी बच्चे आज बहुत खुश हैं। कल वो झंडा ले आए थे बच्चे 14 अगस्त के लिए, तो 14 अगस्त के लिए वो कपड़े पहनेंगे। तो फिर उसके पीछे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो भी बच्चे जो है ना गलियों में बाजा लेकर वो बजाते हैं और शोर करते हैं गलियों में, वो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे किस तरह बाजा पकड़ कर और बजाते हैं और शोर करते हैं। तो ये देखिए रात से यही सीन चल रहा है और बच्चे गुजरते हैं, उनके हाथों में वो बाजे होते हैं और वो पाँ पाँ करते गुजरते जाते हैं। ये भी ये दो बच्चे आए हैं और ये पाँ पाँ करते हुए गुजरते जा रहे हैं। कल से यही 14 अगस्त का सीन इसी तरह चल रहा है, बच्चों ने हाथों में बाजे पकड़े हुए हैं और इसी तरह का सीन जो है ना चल रहा है। इतना शोर गली मोहल्ले में बच्चों ने किया हुआ है और इनकी आवाज़ें कानों में जाकर लगती हैं और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों ने क्या होना है, बच्चों की तो बच्चों के लिए तो ये खुशी का ही मौका है। और वो बाजा बजा रहे हैं और उनको खुशी महसूस हो रही है, वो अपनी 14 अगस्त इसी तरह मना रहे हैं। हाँ, बड़ों का ज़रूर आप कह सकते हैं कि हम जैसे और जो हमसे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं वो। आज आपसे 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि 14 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए, और हमें अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि 14 अगस्त का दिन सिर्फ गली बाजारों में बाजा लेकर बजाने का ही नाम नहीं है। 14 अगस्त जो है वो एक ऐसा दिन है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये दिन बड़ी ही कुर्बानियों के बाद अपने खूनी रिश्तों को खोकर ये आज़ादी हासिल की थी। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, अपनी जानों को कुर्बान किया था और जिन हालात से वो गुजर कर अपनी सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुँचे थे, वो जो चीज़ है वो बहुत अहम है। और इन चीज़ों के बारे में और इन सब बातों के बारे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं कि आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है हम सब के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही बच्चे तैयार होंगे तो मैं उनके छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरी बड़ी बेटी है तो ये तैयार होकर शीशे के आगे खड़ी है और ये अपनी सेल्फियाँ बना रही है। तो ये है अब टोटल सीन। पकीज़ा तैयार हो गई हो? तैयार हो गई हूँ, दिखाओ। वालेकुम सलाम। ये देखें पकीज़ा का ड्रेस। आप सबको हमारी तरह से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यूं नहीं बजाते तुम्हारी तो आवाज़ नहीं, यूं बजाते हैं। ये देखे इनके बाजे तो ये बाजे बजा के कान फाड़ देते हैं ना। बजाओ तो मैं बजाओ। नूदा भी छाला तो सिर्फ निकल ही नहीं रही, आवाज हल्की हल्की सी निकल रही है ना। नूदा दे दे इसको नूदा। हाँ पकीज़ा नूदा मुझे कह रही थी कि तुम्हें भी जाना चाहूँ लेकिन ना, मैंने मना कर दिया। मैं तुम लोग का स्लोमा करूंगी, ठीक है?
बन तो रही है पुत्र जी सोनी, और कैसे बनती है। मेरी मम्मा अपनी बेटी के हाथ का पका हुआ खाना खा रही है। आज मेरा बिल्कुल रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं रोटी नहीं बनानी, गर्मी इतनी है आज, शदीद किस्म की गर्मी। अब थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ना, जरा बादल बादल आए ना, बंदा सुबह से शदीद किस्म की गर्मी। मैं कहा बेटा आप रोटियाँ बना दो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये है हमारा परचम, प्यारा प्यारा सा परचम। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मौसम बहुत हो रहा है प्यारा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये प्यारा परचम। जैसा कि आज के मैंने पूरे दिन की रूटीन के छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। रूटीन तो कोई नहीं थी, कोई खास काम तो आज था नहीं, और ना ही मैंने उसके क्लिप जो है ना खाने पीने के और जो आज पकाया उसके मैंने कोई क्लिप आपके साथ शेयर नहीं किए। आज 14 अगस्त थी तो बच्चों ने कपड़े वगैरह पहने और बाहर वगैरह वो खेलते रहे हैं और बाजा वगैरह बजाते रहे हैं, और जैसा कि सब बच्चे यही कुछ कर रहे हैं कि वो बाजा खरीद लेते हैं और फिर वो घर वालों के कान खाते हैं। गली मोहल्लों में भी यही बाजा ही बज रहा है और बाजा बजने की आवाज़ें आ रही हैं। तो इसके साथ आज गर्मी भी बहुत थी, गर्मी की शिद्दत इंतहा की थी और गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। वैसे हम तो कहीं नहीं गए, घर पे ही थे, बच्चे भी घर पे तैयार होकर बैठे रहे और 14 अगस्त मनाते रहे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज़ादी के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, यही मेरा पैगाम है। और इसके साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कोई हाल इतवा।